17 बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ 100 फैमिलीज आर गिवन बिलो. ओके, कितनी फैमिलीज हैं टोटल? 100 फैमिलीज हैं. ठीक है, फैमिलीज कितनी है टोटल? 100 फैमिलीज हैं और इनका मंथली इनकम गिवन है. देखिए, 0 to 5,000 मंथली इनकम कितनी फैमिलीज का है? 8. 5,000 से 10,000 मंथली इनकम कितनी फैमिलीज का है? 26, एंड सो ऑन. टू इस तरीके से देख लीजिए, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भी है. क्वेश्चन सुनिए, कैलकुलेट द मॉडल इनकम. क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मॉडल इनकम बोल रहा है. इससे आप क्या समझते हो बताओ? मॉडल इनकम का मतलब क्या निकालना है? मोड निकालना है. ठीक है, क्या निकालना है? मोड निकालना है. ठीक है ना, तो मीडियन मत निकाल देना है यहाँ, मॉडल इनकम निकालना है. यानी कि सुनो, मोड क्या होता था? मोड वो डेटा पॉइंट होता था जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती थी. यानी कि आपको वो वाला इनकम निकालना है जो वाला इनकम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज का होता हो. कौन सा ऐसा इनकम है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज का होता है? तो अब हम इसका मोड निकालेंगे. मोड निकालने का फॉर्मूला देखिए जरा क्या है. मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ, L क्या होता था? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. और सुनिए, मॉडल क्लास कैसे निकालते थे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी. तो सर्च करिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. ये देखिए 41. तो ये वाली जो क्लास है 10,000 से लेके 15,000 वाली, ये वाली क्लास क्या है? मॉडल क्लास. ओके, और मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 10,000. यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000. आइए फिल करते हैं. तो यहाँ हम मॉडल इनकम निकालेंगे और मॉडल इनकम का यूनिट क्या आएगा? रुपीस. अब ध्यान से चेक करिए, एल की जगह आप कितना पुट करोगे? 10,000. ठीक है, प्लस ध्यान दें जरा, एफ वन माइनस एफ नॉट. याद है मैंने क्या तरीका बताया था आपको याद करने का? यहाँ एफ वन लिखेंगे, इसके जस्ट पहले एफ नॉट लिखेंगे, इसके जस्ट बाद एफ टू लिखेंगे. यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं निकालते हैं क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का यहाँ काम नहीं है. एफ वन क्या होता है? मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी. F0 क्या होता है? मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी. और F2 क्या होता है? मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी. सही है, तो F1 ध्यान से चेक करिए क्या होगा. देखिए ये F1 हो जाएगा और ये F0 और ये 16 F2 हो जाएगा. अब यहाँ ले आके फिल कर देते हैं फॉर्मूले में. तो F1 माइनस F0 यानी कि क्या हो जाएगा? 41 माइनस F0 कितना हो जाएगा? 26 अपॉन 2 टाइम्स F1 यानी कि 2 इंटू F1 मतलब 41 माइनस F0. F0 कितना है? 26 माइनस F2. F2 कितना है? 16 इंटू H. H क्या होता है? क्लास साइज. किसका? मॉडल क्लास का. तो मॉडल क्लास का साइज कितना है? 15,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा? 5,000. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5,000. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो आ जाएगा 10,000 प्लस 41 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 5 और 3 माइनस 2 1 15 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 82 माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा? माइनस 42 और इंटू 5,000 तो इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 15 अपॉन 82 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 40 इंटू और यहाँ पर क्या है? 5,000. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 से आप चाहो तो इसको डिवाइड लगा सकते हो. कितना आ जाएगा? 4 वन ज़ा 4 और 4 वन ज़ा 4 1 इसके पास जाएगा, 4 टू ज़ा 8 2 इसके 4 फाइव ज़ा 20. ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपके पास 10,000 प्लस 15 इंटू 125. आप खुद करिएगा, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ. 15 इंटू 125 दैट इज़ 1875 और 10,000 में अगर आप ऐड करेंगे किसको? 1875 को, तो क्या आ जाएगा? 57811. ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 11875 इज द मॉडल इनकम. ठीक है, तो रुपीज 11875 इज द मॉडल इनकम. मतलब ये वाली इनकम सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ की होती होगी, इसके आसपास सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ की इनकम कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके, कर लीजिए.